क्या आप रोज फ्रूट्स खाते हैं? क्या वो हेल्दी होते हैं? नहीं, वो पेस्टिसाइड से भरे हुए होते हैं। पेस्टिसाइड यानी एक केमिकल जहर। पेस्टिसाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे पेस्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। पेस्ट यानी ऐसे कोई भी कीड़े मकोड़े या प्लांट जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसे ही पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। फूड आइटम जैसे फ्रूट, अनाज, वेजिटेबल, इनके खेतों में बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड यूज किया जाता है ताकि किसानों की फसलें खराब ना हो और उन्हें कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह ना लगे। ये एक तरह का जहर होता है जो फसलों को तो बचाता है लेकिन तमाम कीड़ों और मकोड़ों को मार देता है। हम इंडिया में जो भी अनाज, गेहूं, चावल, दालें, वेजिटेबल, फ्रूट्स खाते हैं, इन सब पर ये पेस्टिसाइड यूज किया हुआ होता है। इस तरह से हम भी हर रोज थोड़ा थोड़ा फूड के साथ पेस्टिसाइड खाते हैं। ये एक स्लो पॉइजन है जिसे हम हर रोज लेते हैं। इसीलिए तो अच्छा खाने के बावजूद भी हमें कई बीमारियां आती हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप एक हेल्दी एप्पल फ्रूट खा रहे हैं उस पर भी पेस्टिसाइड यूज किया हुआ होता है? अगर आपने उसका छिलका निकाल भी दिया तो अंदर भी थोड़ा पेस्टिसाइड मौजूद होता है। छिलकों में ज्यादा होता है लेकिन अंदर थोड़ा कम होता है, लेकिन होता जरूर है। पेस्टिसाइड के कुछ इफेक्ट खाना खाने के बाद फौरन दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपने केला खाया, कुछ देर के बाद आपको खुजली होना शुरू हो गई, आंखों में प्रॉब्लम, उल्टी आना, डिजीनेस, डायरिया, और कुछ पेस्टिसाइड के इफेक्ट सालों बाद होते हैं, यहाँ तक कि ये जान भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद वेजिटेबल और अनाज उगा सकते हैं तो आप ऐसे पेस्टिसाइड से बच सकते हैं। या फिर ऐसे किसान जो अपने फार्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करते हैं और इन केमिकल और डेंजरस पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, वहां से अगर आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं तो वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। आइए आप कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल देखते हैं जिन पर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है जब तक कि आपको कोई ऑर्गेनिक या गावटी फ्रूट्स ना मिले। इसके लिस्ट में है स्ट्रॉबेरीज, शिमला मिर्च, ग्रीन, रेड, येलो, पालक, जिसके हजार गुण गाए जाते हैं, जो ज्यादा बिकता है उसी में ज्यादा मिलावट की जाती है, चेरीज, पीचेस, ब्लूबेरीज और पोटैटो भी। अब उनकी लिस्ट देखते हैं जिसमें पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और उनकी जगह पर आप दूसरे कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी लिस्ट जिसमें कम पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। उसमें है स्वीट कॉर्न, प्याज, ओनियन, कैबेज, गोभी, फ्लावर, मैंगो, वाटरमेलन, बनाना। आइए स्क्रीन पर इसकी लिस्ट देखते हैं। अब देखते हैं पेस्टिसाइड से बचने के कुछ तरीके। कोई भी एक तरह का फ्रूट या वेजिटेबल या फूड आइटम कंटिन्यूअसली ना खाए, इससे एक खास मखसूस पेस्टिसाइड की मिकदार आपके बॉडी में बढ़ जाएगी जो आगे चलकर आपको हार्मफुल होगा। कोई भी नॉनवेज आइटम स्किन के साथ ना खरीदें, स्किन निकाल कर ही यूज करें। पोटैटो को भी छिलका निकाल कर यूज करें। हाँ, अगर वो ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री है तो नो प्रॉब्लम। जब भी आप वेजिटेबल या फ्रूट्स अपने घर पर लाएं तो सबसे पहले उसे पानी में सोक करें और फिर उसे बहते पानी में अच्छी तरह से धो लें। फिर उसे एक सोकिंग क्लोथ से साफ करें, अच्छे कपड़े से साफ करें। फ्रूट और वेजिटेबल की आउटर लेयर निकाल कर ही इस्तेमाल करें क्योंकि उनके छिलकों के ऊपर कीड़ों को मारने का जहर डाला हुआ होता है। पेस्टिसाइड एक स्लो पॉइजन है जो हम हर रोज अपने अनाज और फूड के जरिए अपने बॉडी में पहुंचा रहे हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप गर्म पानी से धो सकते हैं, लेकिन हर फ्रूट्स और वेजिटेबल को गर्म पानी से नहीं धोया जा सकता क्योंकि उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं।
गर्म पानी से ये पेस्टिसाइड बहुत जल्दी निकल जाता है। अगली बार जब आप एप्पल खरीदेंगे तो याद रखें वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ होगा। हाँ, अगर आपको ऑर्गेनिक एप्पल मिला तो क्या बात है। सो वॉश केयरफुली ऑल फूड आइटम्स बिफोर यूज एंड अवॉइड आउटर लेयर। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो।